केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। धर्मगुरु रामभद्राचार्य उस वक्त नाराज हो गए जब 2 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में उन्हें रामकथा की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि अब जब वह यह सरकार हटेगी तभी गांधी मैदान में कथा कहूंगा। चित्रकूट तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों बिहार पश्चिमी चंपारण के रामनगर में रामकथा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से पटना गांधी मैदान में कथा का आयोजन होना था। 1 साल से कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन पटना के कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने आगे यह भी कहा, बिहार में बहुत दिनों तक जंगल राज और गुंडा राज नहीं चलेगा। गांधी मैदान इसी देश का हिस्सा है। ठीक है, अब तुमको हटाकर ही पटना के गांधी मैदान में कथा कहने आऊंगा। रामभद्राचार्य ने आगे दावा किया कि रामचरितमानस बहुत जल्द राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाएगा। इसकी निंदा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो सकेगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जाति विहीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म का मैं समर्थक हूं। जो भी राम कृष्ण को मानता है वो मेरे लिए हिंदू पूज्य है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को मेरे जैसे संत की हुंकार पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर मैंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से चर्चा की बात क्या कह दी, सरकार तो डर गई। रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस को लेकर चंद्रशेखर के बयान पर कहा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो रामचरितमानस पर मेरे साथ चर्चा करें। इस ग्रंथ में राष्ट्र विरोध में कोई बात नहीं कही गई है। धर्मगुरु ने दावा किया कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से देश भर में लोग बहुत खुश हैं। सनातन धर्म के विरोधी लोग भले दुखी होंगे। रामभद्राचार्य ने आगे दावा किया कि रामचरितमानस बहुत जल्द राष्ट्र ग्रंथ बन जाएगा। इसकी निंदा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो सकेगा। साथ ही उन्होंने घोषणा करके जातिविहीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म का समर्थक बताते हुए कहा कि जो भी श्री राम और श्री कृष्ण को मानता है वो हिंदू मेरे लिए हमेशा पूज्य है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तुलसीपाठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों बिहार पश्चिमी चंपारण के रामनगर में रामकथा कह रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।